नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जाने माने चेहरे को तो आप जानते ही हैं, जो कि भोगनीपुर विधायक दबंग विधायक के नाम से काफी प्रचलित हैं। दरअसल ये सत्ता का चोला पहनकर अपनी गुंडाई का कारनामा आए दिन सामने पेश करते रहते हैं। इनके खिलाफ कोई व्यक्ति आवाज उठाने की कोशिश करता है तो भोगनीपुर विधायक अपनी सत्ता की दबंगई से आम आदमी का मुंह बंद कर देते हैं। बड़ी बात तो यह सामने आई है कि इस कदर सत्ता के नशे में चोर हैं कि आए दिन किसी की जमीन पर कब्जा करते हैं तो कहीं किसी को धमकाते हैं। अगर इस देश का चौथा स्तंभ गरीबों की आवाज़ उठाता है तो फर्जी मुकदमों से उसे दबाने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो हाल ही में एक नया मामला प्रकाश में आया है, जो कि कानपुर देहात दबंग विधायक विनोद कटियार के गुर्गू ने जिला पंचायत प्रत्याशी को धमकाया। मामले के अनुसार शाहजहांपुर जिला पंचायत से चुनाव जीतकर महिला प्रत्याशी प्रमाण पत्र लेने आई थी। जीत के कारणवश हारे हुए प्रत्याशी के समर्थन में विधायक के गुर्गू ने जीती हुई महिला प्रत्याशी को धमकी दे डाली। संवाद सूत्रों के अनुसार प्रत्याशी स्वाति का आरोप है कि जिला प्रशासन से मिलकर विधायक अपनी सत्ता की हनक से जबरन हराना चाहते हैं। विधायक विनोद कटियार की बात न मानने पर जीती हुई प्रत्याशी को धमकी मिलनी शुरू हो गई थी। बड़ी बात तो यह सामने आई है कि मौके वारदात पर जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में डीएम कार्यालय के बाहर ही धमकी दी गई थी। बीजेपी विधायक समेत गुर्गों के सत्ता के नशे में दबंगई के प्रकरण से महिला प्रत्याशी परेशान है। क्या जीत हासिल करने पर इस कदर महिलाओं को डीएम कार्यालय के बाहर धमकाया जाएगा? और धमकाने के साथ साथ ही अहम बात तो यह सामने आई कि रात्रि 11 बजे तक महिला प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। इनके विनोद कटियार धमकाए, इसके बाद इनके भाई भी धमकाए। ये कौन थे जो आपको धमकी दे रहे? ये विनोद कटियार के भाई थे। तो यहाँ जिला प्रशासन पुलिस मौजूद है, जिला प्रशासन के अधिकारी, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया? अभी गिरफ्तार तो नहीं, उन्होंने डांटा है, ये बात हमने सुनी, उन्होंने डांटा है। क्या धमकी दे रहे थे आप? धमकी दे रहे कि हम आपको देख लें, आप क्या चीफ मिनिस्टर हो क्या? अच्छा, सब कोई मिनिस्टर होता है क्या? अल्लाह, आप महिला है, इसके बावजूद भी आपको धमका रहे हैं? धमकाया जा रहा है। यहाँ फिर आपकी कोई सुनवाई हुई? शिकायत करिए आप जाके। सुनवाई नहीं हुई है। आप ADM साहब से शिकायत करिए जाके। हम शिकायत करेंगे, वहाँ तक शिकायत पहुँचाएंगे। मतलब विधायक जी, इसका मतलब ये नहीं घर से खींच के हमें मारेंगे, यहाँ हमें कमरा से निकालने की धमकी दे रहे हैं। कौन था, इसका नाम क्या था? नाम तो हमें नहीं मालूम, उनके भाई है विनोद कटियार के।